गुड मॉर्निंग ऑल. सो चैप्टर 3 ऑफ अवर सिलेबस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड फ्रॉम द ईयर 1950 टू 1990. सो द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो बेटे हर एक में जैसे एग्रीकल्चर की सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी हुई है, फिर एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स हुए फ्रॉम द ईयर 1950 टिल द ईयर 1990, ये हमारे सिलेबस में है. सो इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी टू कवर होल ऑफ दिस थिंग इन वन और टू लेक्चर्स. सो मैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिविजन है ये, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग. आई एम नॉट डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, दैट इज वेरी मच जनरल. वो आप एक बार ही रीडिंग लोगे, यू कैन डू इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्रीकल्चरल पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस. बेटे ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. जब तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, ना तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ हो रही थी और ना ही एग्रीकल्चरल सेक्टर में इक्विटी थी, मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, राइट. सो इंडियन पॉलिसी मेकर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज. Which two issues? To bring about equitable distribution and to bring about the growth of the economy. So, jo policies 1950 se leke 1990 tak agricultural sector mein follow ki gayi, unke main points kar lete hain. First main point is land reforms. Okay, land reforms was introduced. Land reform means it primarily focuses on the change in the ownership of the land. जो land से related reforms, सुधार introduce किए गए, उनका main aim क्या था? To introduce change in the ownership of the land in the agricultural sector. ठीक है? So in order to you know raise agricultural production as well as agricultural productivity, many institutional reforms were undertaken, ठीक है, in the agrarian sector of the economy. So क्या क्या reforms हमने introduce किए? पहला land reform measure क्या था? Abolition of जमींदारी system. इनको हम institutional reforms भी कहते हैं, ठीक है. Three kinds of reforms were undertaken. One, technical reforms. Another, general reforms. And third one is institutional reforms. Institutional reforms, they mainly aimed at change in the ownership of the land. So, kaun kaun se wo reforms the? Number one kya tha? Abolition of zamindari system. To jo zamindari ka system tha, yani bade bade zamindar the, jo ki aage land cultivate karate the, tenants ko unhone land diya hua tha, aur unse revenue collect karke further government ko de dete the. ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, ठीक है. यानी बड़े बड़े जमींदार जो थे उनसे लैंड ले लिया. इफ यू वांट टू सी अ ग्लिम्प्स ऑफ दिस यू नो एबॉलिशन, यू कैन सी द मूवी लुटेरा और लुटेरे, आई गेस सोनाक्षी सिन्हा की मूवी है, रणबीर कपूर, ठीक है. आप उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग भी देख लीजिए ना, तो आपको ये रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि वो उसी 1950 पीरियड की बनी हुई है, उसमें यही बताया है कि एक बड़ा सा जमींदार था, तो जब गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया, एक्ट इंट्रोड्यूस किया, तो उसका लैंड उससे सारा का सारा छिन गया. तो अगर आप इस व्यू पॉइंट को माइंड में रखते हुए देखोगे ना मूवी, स्टार्टिंग ही चाहे देख लो, यू विल कम टू नो अबाउट एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है. तो जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया. 57% एरिया इंडिया में उस टाइम पे जमींदारी के अंडर था, ठीक है. तो हमने इस एक्ट को पास किया 1948 में, सबसे पहले मैड्रास में, ठीक है. उसके बाद हर स्टेट ने अपनी लेजिस्लेशन, हर स्टेट ने अपने कानून बनाए रिलेटिंग टू एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. 1955 तक ऑलमोस्ट हर स्टेट में ये एक्ट पास हो गया था, ठीक है. उसके बाद बेटे टेनेंसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए. टेनेंसी रिफॉर्म्स में
तीन चीजें थी मेन, ए रेगुलेशन ऑफ रेंट, उस टाइम पे जो रेंट था दैट वाज वेरी हाई, ठीक है, मतलब अबाउट 50% ऑफ द प्रोडक्शन वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ रेंट. यानी अगर मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, मेरा अपना लैंड नहीं है, मैं दूसरों के खेतों पे काम कर रही हूँ, किराए पे मैंने लिया हुआ, रेंट पे लिया है, तो मेरे से कितना रेंट चार्ज किया जाता था? अगर मैं 100 क्विंटल वीट प्रोड्यूस करती हूँ तो 50 क्विंटल इन द फॉर्म ऑफ रेंट ले लिया जाता था मेरे से. दैट वॉज वेरी मच हाई. इन सम स्टेट्स इट वॉज एज हाई एज 70%. वॉज इट राइट? नो. सो इसीलिए हमने इसको कंट्रोल किया, टेनेंसी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, तो रेंट को फिक्स किया. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने कहा मैक्सिमम रेंट शुड बी फिक्स्ड एट अबाउट 1/3 और 1/4 और 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस. 1/4 और 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस. यानी अगर मेरे लैंड पे 100 क्विंटल की वीट प्रोड्यूस होती है तो मैं 25 क्विंटल या 20 क्विंटल मैक्सिमम रेंट मेरे से मेरा ओनर चार्ज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं. हाउएवर बेटे मैक्सिमम रेंट इट वेरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ये स्टेट का अपना एक्ट था, ठीक है. सो नेक्स्ट था बेटे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. क्या समझ में आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से? पहले क्या होता था, इफ टेनेंट फेल्ड टू पे रेंट तो ओनर उसको लैंड से निकाल देता था. He was evicted from the land without any solid grounds. अब इससे तो वो बेचारा, कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर की, इसलिए भी एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो रही थी, ठीक है. जब मुझे पता ही नहीं है मेरी यहाँ पे जॉब सिक्योर है कि नहीं है, मेरे को कोई किसी भी टाइम निकाल सकता है, तो मैं मेहनत क्यों करूंगी, ठीक है ना. लेकिन अगर मेरे को अश्योरेंस है कि अगर मैं अच्छा काम करती रहूंगी, मेरे को कोई भी निकाल नहीं सकता अपनी जॉब से, आई विल वर्क हार्ड. बट उस टाइम पे टेनेंट कुड बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड, दे वर ऑन द विम्स ऑफ द ओनर्स. जरा सा आगे से जवाब दिया, वो उसको लैंड से निकाल दे. तो इसीलिए दूसरे इसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए. कोई भी ओनर टेनेंट को बिना किसी रीजन के लैंड से निकाल नहीं सकता, ठीक है. तीसरा बेटे इसमें राइट ऑफ ओनरशिप दिया गया. यानी जो टेनेंट जिस लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, दे शुड बी मेड ओनर ऑफ द लैंड. लेकिन सब स्टेट्स में ये अडॉप्ट नहीं हुआ, ठीक है. तो इसीलिए ये इतना लैंड देखो, लैंड रिफॉर्म या कोई भी एक्ट पास होना, लागू होना और सक्सेसफुल होना. पास हो गया तो इसका मतलब सक्सेसफुल है? नहीं. उसकी इंप्लीमेंटेशन कई बारी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, बहुत सारी हिंड्रेंसेस आ जाती हैं. जैसे जमींदारी में कई जमींदारों ने रिफ्यूज कर दिया, हम अपना लैंड क्यों दें वापस. कईयों ने इसको ये शो कर दिया कि हम अपना लैंड खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, है ना. तो इस तरह से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ इतना ज्यादा. बट देन वी आर टू इम्प्लीमेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कोशिश की, कुछ एक्सटेंड तक सक्सेसफुल हुआ, ठीक है. देन अदर रिफॉर्म्स वर लाइक सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. सीलिंग मींस फिक्सिंग अ लिमिट. लिमिट फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने कि हम इससे ज्यादा किसी भी फार्मर के पास लैंड नहीं रहने देंगे, ठीक है. एक मैक्सिमम पीस ऑफ लैंड था जिससे ज्यादा आप कोई भी लैंड को कल्टीवेट नहीं कर सकते. जैसे मेरे पास 100 एकड़ लैंड है, तो गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास कर दी कि 25 एकड़ से ज्यादा आप लैंड नहीं रख सकते. क्लियर है? उसके बाद बेटे और उससे ज्यादा जिसके पास लैंड होगा वो गवर्नमेंट ने क्या किया, वापिस ले लिया और उसको लैंडलेस लेबरर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है. उसके बाद है बेटे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट किया गया. कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा कर दिया गया. उस टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि फार्मर्स के जो लैंड्स थे वो ना सिर्फ स्मॉल थे,
वो फ्रेगमेंटेड थे, मतलब मेरे पास 3 एकड़ का लैंड है, पहले तो वो बहुत कम है एरिया, फिर वो 3 एकड़ एक जगह नहीं है, एक एक जगह पड़ा है 1 एकड़ का, आधे एकड़ का कहीं और पड़ा है, 1.5 एकड़ का कहीं और पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये मेरे से अलग अलग टुकड़े ले लिए और मुझे एक जगह 3 एकड़ का लैंड दे दिया। इसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन। उसके बाद बेटे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, वो सबको पता होते हैं कौन कौन से, यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मेकिंग यूज ऑफ साइंटिफिक मीन्स ऑफ कल्टिवेशन, ऑल दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इनको क्या कहते हैं, टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल मेजर्स या रिफॉर्म्स। थर्ड है बेटे जनरल रिफॉर्म्स लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज। सो ऑल दीज रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। फिर बेटे गवर्नमेंट ने एक एग्रीकल्चरल सब्सिडी पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की, वो भी आपको पता होना चाहिए। सब्सिडी का मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स। सो क्या पॉलिसी थी, इसमें गवर्नमेंट जो है वो फर्टिलाइजर्स, सीड्स और पावर फैसिलिटीज जो है वो तो ये जो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आई, उसमें हमने HYV सीड्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आए, इससे पहले फार्मर्स इनपुट्स घर से अरेंज कर लेते थे या मार्केट से खरीदते थे तो बहुत सस्ते मिल जाते थे मैन्योर, ट्रेडिशनल सीड्स, लेकिन HYV सीड्स वर एक्सपेंसिव, केमिकल फर्टिलाइजर्स वर एक्सपेंसिव, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब महंगे मिलते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने, अब स्मॉल फार्मर इनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जब स्मॉल फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो फिर एग्रीकल्चर डेवलप ही नहीं कर पाएगी। फायदा क्या हुआ इन सीड्स को डेवलप करने का अगर फार्मर इसको अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा, फिर क्या होगा, रिच फार्मर वुड गेट रिचर, क्योंकि रिच अफोर्ड कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो और अमीर हो जाएंगे, पुअर वुड गेट पुअरर। तो इक्विटी का ऑब्जेक्टिव तो मीट ही नहीं हुआ। तो इक्विटी का ऑब्जेक्टिव मीट हो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडी प्रोवाइड की। गवर्नमेंट कहती है हम आपको बिजली सब्सिडाइज्ड रेट पे देंगे, हम आपको फर्टिलाइजर सब्सिडाइज्ड रेट पे देंगे, हम आपको HYV सीड्स जो है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे देंगे। सब्सिडी इंट्रोड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव इंक्रीज करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना बाय मेकिंग यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, क्लियर। सो अभी भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो देर इज ऑलवेज यू नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देर इज वन क्लास ऑफ थॉट विच सेज सब्सिडीज शुड बी अबॉलिश्ड, एनदर विच सेज सब्सिडीज शुड नॉट बी अबॉलिश्ड। तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज जो दिए गए हैं उनमें से मेन आर्ग्यूमेंट ये है एक्सेस टू द एग्रीकल्चरल इनपुट। अगर हम सब्सिडी हटा देंगे इनपुट फिर से महंगे हो जाएंगे, फार्मर फिर से उनको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। दूसरा दिया जाता है फूड सिक्योरिटी का। तो अगर फार्मर को सब्सिडाइज रेट पे चीजें मिलेंगी, इनपुट मिलेंगी, तो वह आउटपुट भी रीजनेबल प्राइसेस पे बेच देगा और हम सब फूड को अफोर्ड कर पाएंगे। वी विल बी फूड सिक्योर, वी विल हैव अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेस टू द फूड, यस, ओनली इफ सब्सिडीज आर प्रोवाइडिंग। तीसरा बेटे आर्ग्यूमेंट वो ये भी देते हैं कि फार्मिंग एक रिस्की ऑक्यूपेशन है। Is there any risk involved in farming? What kind of risk? Crop destruction, natural factors. ठीक है, बारिश नहीं आई, सूखा पड़ गया, या बारिश ज्यादा आ गई, फ्लड आ गए, बह गई, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ रिस्क
फार्मर फेस कर सके, इसीलिए उसको सब्सिडी देनी चाहिए. बट देन देर आर सर्टन साइंटिस्ट हु आर नॉट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज. पीपल इकोनॉमिस्ट दे से दैट जितनी सब्सिडी की बिल हमारा बन रहा है, बजट आपने पढ़ा ना, बजट में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सब्सिडीज, तो वो जितना ज्यादा होगा हमारा खर्चा उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतनी ज्यादा हमें बोरोइंग्स लेनी पड़ेंगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, है ना. तो ये कहते हैं कि सस्टेनेबल नहीं है. ठीक है, एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, पचास साल हो गए हमें सब्सिडीज देते, अब ये खर्चा हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है, इसको एबॉलिश कर देना चाहिए. देन फिर वो कहते हैं इसका बेनिफिट टारगेट ग्रुप को तो मिल ही नहीं रहा. टारगेट ग्रुप कौन है? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, वो तो सेल्फ सफिशिएंसी में है, ठीक है, लेकिन वो इसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. तो जब टारगेट ग्रुप को ही फायदा नहीं मिल रहा, रिच उसका फायदा उठाई जा रहा है, उसके उसको फायदा उठा के रिच रिचर होता जा रहा है, इट इज ऑफ नो यूज. ठीक है, देन नो नीड, सीधी सी बात है बेटे, हर बारी एक, चलो छोटा बच्चा है उसको रोड क्रॉस करा दी बचपन में, तो आप क्या बड़े होते तक उसको रोड क्रॉस कराते जाओगे? ही शुड लर्न हाउ टू बी इंडिपेंडेंट. तो इसीलिए सब्सिडीज का पर्पस क्या था? फार्मर्स को अपने स्टेटस से इम्प्रूव करना, बढ़ाना, इनिशियल स्टेजेस पे वो अपने इनपुट्स यूज कर सकें, उस लायक बनाना. अब वो इस लायक बन चुके हैं तो इसीलिए सब्सिडीज की कोई जरूरत नहीं. ठीक है बच्चे, तो उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन है. पता है आप सबको ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है? कब इंट्रोड्यूस हुई थी? मिड 1960s में. बेटे आपने पढ़ना नहीं शुरू किया मुझे लगता है किसी ने. तो मिड 1960s में फर्स्ट फेज में शुरू हुई थी. सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ वीट और राइस, ये दो क्रॉप्स को फोकस करती थी, और दो तीन स्टेट्स जो कि वीट ग्रोइंग क्रॉप्स रीजन्स थे उनको ही ये केटर करती थी. ठीक है, तो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम इनिशिएट किया गया. ये जो प्रोग्राम था एक पैकेज में आता था, यानी अगर फार्मर HYV सीड्स डालेगा अपने खेतों में तो उसको मैन्योर नहीं डालनी होगी, क्या डालना होगा? केमिकल फर्टिलाइजर्स. सेकेंडली, जो क्रॉप HYV सीड से ग्रो होती है दैट इज मोर प्रोन टू इंसेक्ट्स पेस्ट, उसको कीड़े ज्यादा लगते हैं, तो इसीलिए उसको क्या लेना पड़ेगा इसके साथ? इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड. ठीक है, सो सरप्राइजिंगली बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस पैकेज देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, नियर अबाउट 25% राइज हुआ प्रोडक्शन में. ठीक है, बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर, रेवोल्यूशन मींस ड्रास्टिक चेंज. ठीक है, सो इसका क्रेडिट जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का, नोबेल लॉरिएट डॉक्टर नर्मन बर्लफ को जाता है. लेकिन इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? M.S. स्वामीनाथन. किसको कहा जाता है? M.S. स्वामीनाथन. बेटे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने कुछ भी नहीं किया हुआ मेरे को लग रहा है. फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स पड़े? प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मार्केटेबल सरप्लस बढ़ा, सेल्फ सफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव हम इंक्रीज कर पाए, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई, साइंटिफिक कल्टीवेशन हमने यूज की, देन देयर वाज चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द फार्मर्स. पहले वो सोचते थे ये अगर कोई ऐसा चीज मिस हैपनिंग हो जाती तो वो कहते थे ये भगवान ने हमें हमारे पापों की सजा दी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, देवर सो टॉलरेंट. लेकिन आज
they make every effort to overcome the misfortune. Clear? Employment opportunities भी पड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन के करके, लेकिन इसकी कुछ वीकनेसेस भी रही है. वन, इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू फूड क्रॉप्स. ठीक है, इसने पल्सेस, कॉटन, जूट, कमर्शियल क्रॉप्स में इसका सक्सेस रेट कम रहा है. देन इनइक्वालिटी अमंग फार्मर्स, चाहे ऑब्जेक्टिव था हमारा इक्विटी अचीव करना, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कर पाए. रिच गॉट रिचर, पुअर गॉट पुअर. ठीक है, देन इसके बेटे थोड़े से सोशल इफेक्ट्स जो रहे वो अनडिजायरेबल थे. मशीन्स का इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया, जिस करके जो सरप्लस लेबर की प्रॉब्लम गांव में शुरू हो गई. जब आप बेटे 10 लोगों के काम को एक मशीन से रिप्लेस कर दोगे तो वो 10 लोग फ्री हो जाएंगे ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई. देन सच काइंड ऑफ वीकनेसेस वर देयर. इनइक्वालिटी बढ़ गई, ये मैंने बता ही दिया. लिमिटेड कवरेज थी, सारे स्टेट्स में ये कवर नहीं किया गया, मेनली पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्टर्न यूपी. ठीक है, और कुछ आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में इसको हमने एग्जीक्यूट किया. इज इट क्लियर? शैल वी मूव ऑन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर बेटे? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस आपने खुद कर लेनी है. मैं आपको ये बताने लगी हूँ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज सिंस इंडिपेंडेंस. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट 5-year प्लान एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे बेस था, सेकेंड 5-year प्लान किसके ऊपर बेस था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर. सेकेंड 5-year प्लान में टॉप प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, पर्टिकुलरली द डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री. लिख लो, लिखना है तो बेटे सेकेंड 5-year प्लान में कमेंडिंग हाइट्स भी हम वर्ड यूज करते हैं, ये भी आपको एमसीक्यू में आ सकता है. हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को हम कमेंडिंग हाइट्स इंडस्ट्री भी कहते हैं. तो जो हमारा सेकेंड 5-year प्लान था दैट वॉज फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो हमने उस टाइम पे IPR 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 स्टार्ट की. ये हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी आफ्टर इंडिपेंडेंस. आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने 1948 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली थी, लेकिन मेन पॉलिसी जो आई जिसने पब्लिक सेक्टर के रोल को डोमिनेंट रोल डिक्लेयर किया दैट वॉज IPR 1956. ठीक है, सो इस पॉलिसी की जो मेन एम थी वो यही थी कि हमने इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, इंडस्ट्री का बेस बनाना है. एंड इट वॉज काइंड ऑफ लाउड डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट दैट हैंस फोर्थ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट वुड प्ले, गवर्नमेंट स्टेट भी कह देते हैं ना हम, would play an important role in the industrial development. Teen main features IPR 1956 ke, pehla feature classification of industries. How are industries classified? Anyone? Achha ji, small scale. Anyone else? Micro and small. Chalo ji. बेटे मैं MSMED एक्ट की नहीं बात कर रही हूँ. सीरियसली आप लोगों ने कुछ भी पढ़ना नहीं शुरू किया, पेपर कैसे दिए आपने? एनीवन फ्रॉम दिस साइड? IPR 1956, हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड? यस हियर यू टेल. मैम स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी. शेड्यूल ए में कौन सी इंडस्ट्रीज थी?
एटॉमिक एनर्जी और पब्लिक सेक्टर वाली नहीं, ये जो इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज थी बेटे मेरे को ये बताओ, दीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर। यस, 17 इंडस्ट्रीज वर देयर अंडर शेड्यूल ए, ठीक है, विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के ही अंडर थी, लाइक आर्म्स एंड एम्युनिशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, कोल, मिनरल ऑयल, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, मशीनरीज, ठीक है, 17 इंडस्ट्रीज, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट की एक्सक्लूसिवली गिवन टू द गवर्नमेंट सेक्टर। किसको दी गई? गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज विच विल बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, इसका मतलब ये है इनमें 12 इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जिनको जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में है वो कंटिन्यू करेंगी, लेकिन इन 12 में से जो बेटे देखो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर है उससे वापस नहीं ले ली जाएगी इनकी ओनरशिप, वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इन 12 में से अगर कल को कोई नया प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आके इनमें इनको सेटअप करना चाहता है वो नहीं कर सकता। फ्रॉम हेंस नाउ ऑनवर्ड्स देवर टू बी ओन्ड बाय स्टेट ओनली, ठीक है, अभी इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट के पास भी हैं, उनसे हम ओनरशिप वापस नहीं लेंगे, वो करती जाए अपना काम, लेकिन कोई नई इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर सेटअप नहीं कर सकता। ये 12 इंडस्ट्रीज थी जिसमें एल्यूमिनियम, मेडिसिन, मशीन पार्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इस तरह की इंडस्ट्रीज थी। शेड्यूल सी इंडस्ट्री कौन सी होती है? शेड्यूल ए और बी को छोड़ के, 17 और 12 को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज शेड्यूल सी में, एंड दीज कुड बी सेट अप बाय द प्राइवेट सेक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।